इशारान से नुमाइंदा रक्षान न्यूज़ चैनल रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान आवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग, नून पीपल्स पार्टी की जानिब से नौशेरवानी हाउस खारान में महकमा PHE में होने वाले टेंडर्स और महकमे की नाकिस कारकर्दगी समेत एक्सीएन के खिलाफ पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्दियाती इलेक्शन में इतिहादी कौंसलरान और कारकुनों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा डॉक्टर इसहाक बलोच, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा मीर नूरुद्दीन नौशेरवानी, नून लीग के गुलाम सरवर बलोच, मीर महमूद खान नौशेरवानी, पीपल्स पार्टी के अरसलान नौशेरवानी ने खिताब करते हुए कहा PSDP 2022-2023 के स्कीमात के टेंडर महकमे PHE के ऑफिस में हुए, जिन्हें अब तक मुतालिका एक्सीएन PHE ओपन करने से कासिर हैं। महकमे के जिम्मेदार ऑफिसर्स तमाम रोल्स के खिलाफ वर्जी करके अवाम के इज्तिमाही मुफादात को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। खारान के तमाम सियासी पार्टियों से मिलकर खारान के हकूक़ की दिफा करेंगे और खारान में होने वाले करप्शन व अकरबा परवरी के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाएंगे। उन्होंने वज़ीर आला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, CMIT से मुतालबा करते हुए कहा कि तमाम स्कीमात की आला सतह पर तहकीकात और GPS लोकेशन मेरिट पर की जाए, बसूरत दीगर हम हर किस्म के एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। खारान के मोजिस साफी हजरत PSDP की जो हवाला जात दिया है, इन तमाम स्कीमात की GPS कोऑर्डिनेट के मुताबिक होनी चाहिए। हमारे शुनिद में आया इन तमाम आबनोशी स्कीमात मौजूदा MPA अपने मनपसंद लोगों को देकर जर्री आबादकारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन में सियासी बुनियाद पर तकसीम हो रहे हैं, जो बल्दियाती जो लास्ट फेज पर उस पर असरअंदाज हो रहे हैं। मोजिस साफी हजरात महकमा PHE को की नाकिस कारकर्दगी मायूसकुन है। पूरे खारान शहर बशमूल तमाम यूसीज में पानी का शदीद बोरान है। मोजिस साफी हजरात, आज हम इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत से PHE के उकाम बाला व जिम्मेदारान, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, सूबाई वजीर PHE, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान से पुरजोर मुतालबा करते हैं खारान में महकमा PHE की तमाम स्कीमात की आला सतह पर तहकीकात करके कोऑर्डिनेट GPS के मुताबिक मेरिट पर की जाए और बसूरत दीगर हम महकमा पब्लिक हेल्थ के खिलाफ आला अदालतों में जाने से भी ग्रेज नहीं करेंगे। फ़र्ज़ करो ये जो टेंडर आया है अखबार में, उसमें लिखा हुआ है कि भाई 12:15 पर आप अपने सबमिट करो अपने जो है राइट्स, और उसको 1 बजे तक खुलना चाहिए सबके सामने। एक उसूल है, एक तरीक़ाकार है, एक कानून है। लोग अपना टेंडर भरते हैं। पिछली दफ़ा हमने अपने दोस्तों को भी कहा कि भाई इसको एक तरफा हम लोग नहीं छोड़ें, हम लोग भी इनमें पार्टिसिपेट करें इन टेंडर्स में। पहले हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन अभी हम हर जगह पार्टिसिपेट भी करेंगे और अपना राइट्स भी देंगे। और अगर हमारा कोई दोस्त है, हमारा कोई बंदा है, कोई काम करता है, मैं कुल्लम कुल्ला आप साफी दोस्तों को जो है ऑफर देता हूँ, जाओ चेक करो कि वाकई वो काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। इससे कबल जो काम हुए काम हुए, मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, शुआब में उसको हाजी आरिफ को पता है हमारे इलाके का, वहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए उन्होंने दिए फर्स करो 25 प्लेट है, 25 की जगह 5 प्लेट, अगर 4 इंच का है 2 इंच का। भाई आखिर इन सारे मामलात में मैं समझता हूँ CMIT और दूसरे लोग भी तहकीकात करें। और गुज़िश्ता दिनों में चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे, इन्हीं पब्लिक हेल्थ की स्कीमत के हवाले से हमारे पार्टी के तहफ़ुज़ात, बाकी दीगर जितने भी पार्टी थे उनकी भी तहफ़ुज़ात थे। एक अफसोस की बात है ये दूर ना हो सके। अब बाकायदा इन पर अमल दरामद किया जा रहा है और बाकायदा टेंडर की गई है, कुछ टेंडर हुए हैं और कुछ होने वाले हैं। और हमारे शुरू में ये आए हैं कि मतलब जितने भी स्कीमात हैं ये मुख्तलिफ किलियों के नाम पर है, लेकिन कोऑर्डिनेट जो हैं इनके लिए गए हैं वो किलियों से बहुत दूर है, कई किलोमीटर के हिसाब से दूर है, मतलब जरी तो उनको दिया गया है ज़रात के लिए। तो आया कि ये स्कीमात जरी पर्पज़ के लिए या आबनोशी के लिए, अगर आबनोशी के लिए तो आप किसी आप पाबंद हो किसी किली में ये लगाओगे, तो बजाय इसको किली में लगाने के ये लोगों को सियासी रिश्वत दे रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टी के कौंसलरान को लालच दे रहे हैं इन्हीं स्कीमात के तौर से। आपको जैसे कि पता है कि BNP मैंगल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में उनकी कोई अक्सरियत है ही नहीं, सिर्फ माँ सिवा एक ये एक यूनियन काउंसिल जिसमें भी हमारे बंदे को लालच दे के मराद दे के उन्होंने तोड़ा है, वहाँ पे अगर वो अक्सरियत में, बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनकी अक्सरियत है ही नहीं। ये इसी मकसद के लिए इनके जितने भी स्कीमात हैं इन्होंने रोके रखे हैं,
काउंसलरों को और मोतबरी को जो मुख्तलिफ पार्टियों के वोटर हजरात हैं उनको तोड़ने के लिए, उनको लालच देने के लिए, ताकि ये बल्दियाती जो इलेक्शन हो रहे हैं इनके रिजल्ट को मतलब अपनी तरफ को कोशिश करना चाहते हैं कि ये कामयाब हो, वो इन्हीं स्कीमत का सहारा ले रहे हैं। और आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए भी इनकी यही मनसूबाबंदी है, ताकि ये जितने भी हमारे मुख्तलिफ दीगर पार्टी के लोग हैं उनको इन्हीं का लालच दे के उनकी वफादारियाँ तब्दील करना चाहते हैं। एक अहम मसले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पानी का मसला है, पानी सबका मसला है, खारान का मसला है, तमाम देहातों का मसला है, पानी कोशिश करेंगे। पानी का मसला है, इस वक्त मैं हैरान हूँ इस चीज़ पे। मेरे दोस्त मुझे बल्दियाती में वोट दे दो, ये सियासी स्कीमत बंद होनी चाहिए, आवाम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और मेरिट की बुनियाद पर इस्तेमाल होना चाहिए। बात यह है कि हम लोगों ने पहले जो है अपोजिशन का कोई किरदार अदा नहीं किया है, अब इंशाल्लाह ताला जितनी पार्टीज हैं हम लोग ये चाहते हैं कि स्कीमत जितनी स्कीमत है पीएचई के गांव में या शहर में है उनका अगर टेंडर होता है वो सियासी बेस पे ना हो, वो सियासी बुनियाद पे ना हो, बल्कि वो जो अकदार है जो अच्छे ठेकेदार हैं उनके उनको दिया जाए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर ज्वाइन करें।